और हम शुरू से कहते रहे कि मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात। लेकिन चर्चा हमारे देश में जो बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो केवल करती है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, कश्मीर, इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करती है। और अब तो ऐसे ऐसे बाबाओं को बैठा दिया जाता है जो हम लोगों के गुरु बना दिए गए। केवल बात होगी नफरत फैलाने की और आपस में हमारे देश को बांटने की। वही जो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी था, सेम पॉलिसी को ये लोग अपनाते हुए, और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जो है निर्णय लिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। 11वां महाधिवेशन है सीपीआईएमएल का और हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं पटना सीपीआईएमएल के इस महाधिवेशन में। श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में जहां मौजूद है वहां पर तमाम विपक्षी पार्टी के नेता हैं, वो एकजुट दिख रहे हैं। नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, साथ ही साथ ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मौजूद हैं। इसके अलावा सलमान खुर्शीदीद जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है वो मौजूद हैं। उन सभी की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बात कही है। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस देश में सिर्फ मोदी की बात हो रही है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ भटकाया जा रहा है। और तमाम इतनी विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाएं। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, जो लोग बंच ऑफ थॉट्स के बारे में बात करते हैं, जो संविधान विरोधी हैं, उनके खिलाफ जाकर अगर सभी एकजुट होते हैं तो ज़रूर माहौल बदलेगा। तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, ज़रा सुनिए। सारी बातें तो हो ही गई हैं, कुछ हमारे लिए बचा नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि आज का जो शीर्षक जो रखा हुआ है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, और यही असल मुद्दा है। और हम शुरू से कहते रहे हैं कि मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। लेकिन चर्चा हमारे देश में जो बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो केवल करती है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, कश्मीर, इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करती है। यानी मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, लगता है। और अब तो ऐसे ऐसे बाबाओं को बैठा दिया जाता है जो हम लोगों के गुरु बना दिए गए। और वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया। यानी मुद्दे की बात नहीं होगी, गरीबी हटाने की बात नहीं होगी, बेरोजगारी हटाने की बात नहीं होगी, अमन चैन की बात नहीं होगी। केवल बात होगी नफरत फैलाने की और आपस में हमारे देश को बांटने की। वही जो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी था, सेम पॉलिसी को ये लोग अपनाते हुए, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग सेम पॉलिसी को अपना रहे हैं कि आपस में समाज में बंटवारा किया जाए, नफरत बोया जाए और राज करें। और जो बंच ऑफ थॉट्स का जो एजेंडा है, मनुस्मृति की जिक्र हुई, एक बंच ऑफ थॉट जो बाबा गोवर्कर हैं, जो लिखा गया है, सोच का एक गुच्छा जो किताब का नाम है, उस एजेंडा को ये हमारे संविधान की जगह पर लागू करना चाहते हैं। और हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, सलाम करते हैं कि आप लोग सब लोग जागरूक होकर के इस जो देश का माहौल है, जो परिस्थिति है, जहाँ भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो छापे मारे जाएंगे या तो आपका कैरेक्टर जो है एसेसिनेट किया जाएगा, छवि को बिगाड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। और अगर आप भाजपा के साथ रहिएगा तो आप हरिश्चंद्र कहलाओगे। कितना भी दाग लगाओगा, वॉशिंग मशीन की तरह आपके दाग को साफ कर दिया जाएगा। वहाँ आप सब लोग देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं और इन्होंने जो निर्णय लिया देश हित में लिया, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इन्होंने जिक्र किया। देश का माहौल क्या है और ये हम लोगों के साथ आए, हम लोगों को बल मिला है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप देखिएगा देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन आज के तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया कि हम लोग सब लोग तैयार हैं, और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जो है निर्णय लिया जाएगा, और देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। तो आपने मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बातें सुनी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जब इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे महाधिवेशन में तो क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।